वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ ऐसा व्यू है, अभी टाइम हो रहा है 9:54, जा रहा है। जगह जगह स्कूलों से या ऑफिस से आवाज़ आ रही है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स की, बट मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल तो बंद है और बुलाया नहीं गया है। बस सुन के दिमाग को थोड़ा तसल्ली दे लूँ कि मैं भी एक इंडियन सिटीजन हूँ और आज हमारा रिपब्लिक डे है। तबीयत तो ठीक है नहीं, जाऊँगी कहाँ, वो भी बात है। अगर भूल भी होता तो तबीयत ठीक हाँ, लेकिन बुलाहट होता तो किसी तरह तो चली ही जाती, तबीयत नहीं ठीक था। फिर भी क्या करूँ, स्कूल अगर खुला होता तो पेरेंट्स को बुलाहट होती है तो जाती है, लेकिन स्कूल तो खुला नहीं हुआ। सब टीचर्स लोग अपना फ्लैग होस्टिंग करके रह जाएंगे। चलो तो ठीक है, मिलती हूँ फिर कुछ देर में आप लोगों से। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ स्नान करके, मेरा भोजन पानी जो होना था सब हो चुका है। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या होना है, थोड़ा सा जो हम लोग का लेडीज का रोज का होता है थोड़ा बहुत सिंदूर बिंदी झूठ वही करना है। तो मिलती हूँ थोड़ा सा तैयार होने के बाद। दोस्तों हो गया मेरा मेकअप, ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ, डेली कोई ओकेजन होता है तो ही मैं मेकअप करती हूँ। बस मॉइस्चराइजर सिंदूर बिंदी जो डेली एक इंडियन लेडीज का हक है, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक हल्का सा लगा लिया है। लिपस्टिक नहीं है ये, मेरा लिप बाम जो होता है वो है, वो कलर उसका ऐसा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने लिपस्टिक लगाया है। बस इतना ही होता है काजल, और दिन में हैवी मेकअप नहीं करती हूँ। तो चलिए आगे के कामों में चलते हैं। आज फिर मैंने कपड़ों का भंडार रखा हुआ, भंडार आज ज़्यादा नहीं लाई हूँ कि फिर मुझे दौड़ दौड़ कर जाना ना पड़े। तबीयत वैसे भी ख़राब ही है, मन तो लगता नहीं है कि बैठे बैठे आराम करूं, इसलिए इन कामों में लग जाती हूं कि ये काम उतने भारी नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं। और यहाँ मैं लगा रही साड़ी में फॉल्स, देखिए मेरे सुई पिरोने का तरीका देख रहे हैं। वैसे तो लगाती हूँ, मेरे साड़ी का फॉल जल्दी निकलता नहीं है, उसकी सिलाई कभी नहीं खोड़ती है, हिचकी आ रही है और फॉल भर ले ही फट जाए साड़ी का, लेकिन ये सिलाई जो होती है वो नहीं निकलती मेरे साड़ी फॉल की। लग चुकी है, देख सकते हैं पूरी फॉल लगा चुकी हूँ। यहाँ देखिए हो गई है, ये किसी और साड़ी पुरानी फॉल ही थी तो फॉल में थोड़ा जान था, ऐसा नहीं था कि फॉल खराब हो चुका था, तो मैंने बस इसमें यूज कर लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब कोई खासकर जो कॉटन साड़ी होती है तो ज़्यादा चलती नहीं, टिकती नहीं है, और फॉल वैसे का वैसे रह जाता है तो मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा बचत कर सकते हो।
तो ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में, क्योंकि मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो चुका है और चलते हैं कुछ और काम। तो यहाँ इन सब में मैंने पानी नहीं डाला अभी, जो मैं गेंदे वो जो मैं बराबर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पूरे का फूल गमले में डाल दिया करती हूँ, तो उन्हीं गेंदे में से वो पेड़ फूल से यहाँ से निकले थे। अभी आपको यहाँ से मैं निकाल के ले गई थी, तो अभी मैंने सब में पानी नहीं डाला, बस जिन गेंदों में मैंने पानी लगाया है अभी उन सब में पानी डाला है, क्योंकि बारिश का मौसम सा हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सूर्यदेव विदाई लेने वाले हैं, बादलों में लुका छिपी खेल रहे हैं। और मौसम बारिश सा हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भर देख लूं कि बारिश अगर नहीं होगी तो कल सुबह मैं पानी डाल दूंगी सब में, क्योंकि पानी की ज़रूरत सबको हो रही है। और हवा देख लीजिए, हवा कैसी चल रही है, हवा आज दिन भर ऐसे ही चल रही थी। दिन भर ऐसे ही हवा चलती रही है, मैंने ठंड जाते जाते ना फिर वापस आ जाती है। कोरोना का भी गाड़ी छूट जाता है, उस ठंड का भी गाड़ी छूट रहा है, पता नहीं अब किस किस का गाड़ी छूटेगा। तो अब देखिए सूर्यदेव फिर अपना तेजी दिखा रहा है बादलों में से। दोस्तों अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, कि फिर से सर में दर्द शुरू हो गया, और चलते हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर। मैंने तो अपना हालत ख़राब कर लिया, आप लोग मत ख़राब करना। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।